जी सर, मेरे साथ में ये धोखाधड़ी हुई थी, फर्जीवाड़ा हुआ था, नौकरी के नाम पे ठगी हुई है सर मेरे साथ में। ठीक है सर, जैसे कि मैं मुझसे पैसे ठगे थे 9-9 लाख रुपए, और मेरे गांव में जैसे कि पहले बताया था कि नौकरी लगवाते हैं ये लखीमपुर विष्णु के मिल के, है ना, प्रधान रामेश्वर प्रधान दयाल। रामेश्वर दयाल। ठीक है, और रामेश्वर दयाल से मिले हम जब आके ना, तो इन्होंने बताया था कि हम 6 लोग हैं, जो 6 लोग हैं वो काम करते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, एक अधिकारी है संजय नाम का, जो दिल्ली का है। तो इन्होंने बताया हम 6 लोग हैं, 6 लोगों का नाम ये है, जैसे कि एक रामेश्वर दयाल हैं, और एक चंद्रपाल हैं, ओमपाल हैं रामपुर ज्वालानगर के, और इनका लड़का है मोहित कुमार, और रामेश्वर दयाल का लड़का है सौरभ कुमार, एक लाल बहादुर है। ये 6 लोग मिलकर काम करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा सर कितना कितना रुपया, कैसे कैसे क्या होगा इसमें? तो उन्होंने कहा ये इनकम टैक्स में अभी वैकेंसी निकली हुई है, 918 वैकेंसी हैं, तो इसमें आप फार्म डाल दीजिए और इसमें हम आपका काम करा देंगे। हमने सर कितना रुपए लगेगा? तो इसमें तो ये बोले थे सर 9-9 लाख रुपए लगेंगे पूरे। तो मैंने सर कुछ कम कर लीजिए, बोले नहीं जी हमें पता चला था जैसे 3 साल पहले कि लखीमपुर विष्णु में मिलक में रामेश्वर दयाल नाम का एक व्यक्ति नौकरी सरकारी नौकरी दिलवाता, दोस्तों से ही पता चला था। तो जैसे हमें पता चला इसके घर हम गए तो इसने बताया कि हाँ मैं हम 6-7 लोग मिलकर काम करते हैं, जिसमें मेरे 2 साले हैं रामपुर के ज्वालानगर के, एक तो है चंद्रपाल और एक ओमपाल मोहित और एक लाल बहादुर था इसके साथ उस समय, और एक सौरभ है किसी का लड़का, और एक समय संजय नाम का अधिकारी एक व्यक्ति बताता था कि वो अधिकारी हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसने नौकरी के लिए हमें बताया था कि मेरे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 918 भर्तियाँ हैं, जिसमें मेरा लगभग 84 लड़कों का पहले सिलेक्शन होगा, उसके बाद में फिर 112 लड़के और जाएंगे, जिसमें टोटल हमें 197 लड़के बताता था ये। तो हमने पूछा भी मतलब इसके लिए क्या हमें प्रोसीजर करना पड़ेगा, इसने कहा कि ओमपाल के घर में हम फार्म पूर्व भरवाते हैं, वहीं लड़के जो भी साइन होती हैं कार्रवाई कागजी ओमपाल के घर करते हैं, और पहले आपको 3-3 लाख रुपया देना पड़ेगा, 9 लाख में बात कह रहा था हुई पर लड़के के हिसाब से 9 लाख रुपया हम लेते हैं। और इसने फिर हमें रामपुर बुलाया एक दिन, वहीं पे फिर ओमपाल के घर में ऑफिस बना हुआ था साइड पे, वहीं बैठ के हमने साइन वगैरह किए, और इसने फार्म फॉर्म भरवाए थे हमसे और पंच भी लगवाए थे 5-5 उंगलियों के वहीं पर, और उसके बाद में फिर इसने हमसे 3-3 लाख रुपये लिए वहाँ भी कुछ पैसे लेकर, और उसके बाद में कहने लगा कि 6-6 लाख रुपये आपको तब देने पड़ेंगे जब अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा आपका। तो हमने पूछा कि कितना टाइम लग जाएगा, कह रहा 3 महीने में आपकी मतलब ज्वाइनिंग हो जाएगी। 3 महीने करते करते इसको करीब करीब 2 साल हो गए, 2 साल के करीब 1.5-2 साल के बाद इसने हमें अपॉइंटमेंट लेटर दिया। अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद फिर अगले दिन ही इसने फिर हमसे अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद इसने फिर हमसे 6-6 लाख रुपये और लिए, और उसके बाद में फिर हम ज्वाइनिंग के लिए गए, फिर इसने ज्वाइनिंग लेटर दिया हमें। ज्वाइनिंग के लिए गए तो वहाँ पता चला कि ये फर्जी लेटर हैं और इससे ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। ये पिछले महीने की 23/9/2018 को थाना मिलक पर एक नौकरी के नाम पर ठगी का मुकदमा कायम हुआ था, उसमें 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, जिसमें कि उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर तक जारी कर दिए गए थे जो बाद में फर्जी पाए गए हैं। तो इस संबंध में विवेचना आरंभ करके 2 आरोपियों को जेल भेज दिया गया, बाकी के खिलाफ विवेचना प्रचलित है। सर कितनी रकम की ठगी थी ये? काफ़ी करीब 26 से 30 लाख के बीच की रकम बताई जा रही है, इसके संबंध में जाँच की जा रही है। कितने लोग सर इसमें आरोपी बनाए गए थे? 7 लोग आरोपी हैं इसमें, जिसमें 2 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, बाकी के संबंध में जांच की जा रही है।